वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सखियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नमस्कार, ABC चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में कोरोना ने सेंचुरी मार दी है। जी हाँ, जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर अब 108 हो चुकी है। सोमवार को कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। कोरोना पॉजिटिव केस सठियाओं, बघावर, कोयलसा, मेहनगर व रानी की सराय में पाए गए हैं। वर्तमान में 94 एक्टिव केस हैं, 12 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं तथा 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 94 एक्टिव मरीजों में से 25 मरीजों को L1 अस्पताल डेंटल कॉलेज चंडेश्वर में भर्ती कराया गया है। 55 मरीजों का इलाज मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में किया जा रहा है। नवागत जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 27 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। बताया कि जिले में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज 2730 श्रमिक बाहर से जनपद आए हैं। जनपद आजमगढ़ की जो COVID-19 के संबंध में आंकड़े हैं उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। गत 24 घंटों में बस और रेल द्वारा जो प्रवासियों का जनपद में आगमन हुआ है वो 5,249 है, जिसमें 2,730 जनपद के निवासी हैं और 2,519 गैर जनपद के हैं, जिनको कि बसों के माध्यम से वहाँ भेज दिया गया है। अब तक कुल क्रमिक प्रवासियों का जनपद में जो आगमन है वो 95,120 औपचारिक माध्यम से हुआ है। गत 24 घंटों में हमारे पास 20 जो सैंपल्स गए थे टेस्टिंग के लिए, उसमें से 20 पॉजिटिव कोरोना के केसेस आए हैं, जिनको की जो फैसिलिटी एलिमेंट फैसिलिटी ये डेवलप की गई है डेंटल कॉलेज में, वहाँ पे भर्ती करा दिया गया है। कुल L1 हॉस्पिटल में अब तक 45 कोरोना पॉजिटिव केसेस एक्टिव केसेस हैं, वहाँ भर्ती हैं और मेडिकल कॉलेज में 55 भर्ती हैं। तो इस तरह से 108 पॉजिटिव केसेस अब तक जनपद में प्रकाश में आए हैं, जिसमें से 94 इस वक्त एक्टिव हैं, 12 को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 2 की दुखद मृत्यु इस आपदा से हुई है। गत 24 घंटों में हमारे पास 27 कंटेनमेंट जोन थे जो इस वक्त हमारे पास बने हुए हैं। अब 14 और जो केस रात को आए हैं लेट नाइट, उसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और उसी के हिसाब से उसमें कंटेनमेंट जोन आगे बढ़ाए जाएंगे। जनपद में अब तक कुल क्वारंटीन फैसिलिटीज़ 42 हैं जो कि एक्टिव हैं। हमने 513 चिन्हित जनपद में की हुई हैं, 42 एक्टिव हैं, जिसमें कि रुके हुए व्यक्तियों की संख्या 307 फैसिलिटी क्वारंटीन में है, 117 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में है और आश्रय स्थलों में 89 है। तो कुल 513 व्यक्ति जो है हमारी क्वारंटीन फैसिलिटी में रुके हुए हैं। सभी में कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 24 घंटों में कुल प्रेषित जो हमने सैंपल भेजे हैं, नए सैंपल रैंडम सैंपल भेजे हैं, 70 सैंपल भेजे गए हैं टेस्टिंग के लिए। रिपोर्ट हमें 120 प्राप्त हुई है, जिसमें 100 नेगेटिव और 20 पॉजिटिव, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वो पाए गए हैं। अनलॉक 1 के शुरू होते ही पहले ही दिन 1 जून से परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू हो गया है। प्रदेश के अंदर शुरू किए जा रहे बसों के संचालन से ही पूर्व सभी बसों को सैनिटाइज कराया गया है।
चालकों और परिचालकों को सावधानियों और निर्देशों के बाबत विस्तृत जानकारी दी गई है। एक बस में 26 से 30 यात्री बैठाने की छूट दी गई है और सभी यात्रियों के सैनिटाइजेशन व मास्क पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। आज से बसों का संचालन शुरू हो गया। जी हाँ। तो आप लोगों को क्या गाइडलाइन बताई गई है, क्या किस तरह से बस चलाना, कितने यात्री बैठने हैं और किस तरह से क्या चलना? 26 यात्री बैठेंगे, 26 से 30 ज्यादा बस। और क्या मास्क और सैनिटाइजर बस की? हाँ, सारे पैसेंजर मास्क लगाएंगे और ड्राइवर अपना दस्ताना और ये सैनिटाइज कराया, मतलब सैनिटाइज हमारी गाड़ी हो गई है, ठीक है, और सैनिटाइज हमको मिला भी है, हम बराबर उसको लगा रहे हैं। और जितने पैसेंजर बैठेंगे वो भी अपना मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज लगाएंगे, यही सब। हाँ, उतार के आएंगे फिर सैनिटाइज होगी, धुलाई होगी अंदर बाहर, उसके बाद सैनिटाइज होगी, ये सारी प्रक्रिया रोज होती है। अब हम लोग टिकट काटे हुए हैं, आज तक फ्री चला रहे थे, आज से स्टेशन से गाड़ी चली है और बनारस तक जाएगी और आएगी। और सभी जगह के लिए बसें शुरू की हैं? हाँ, सभी जगह। तो क्या आप लोगों को बताया गया है मास्क सैनिटाइजर के लिए? हाँ, मास्क सैनिटाइजर, हम जब दूरी सब चीज़ बताया गया। तीन वाली सीट है तो नहीं, दो लोग। दो लोग जी। जी, आज यात्रियों की पोजीशन क्या है, कुछ कम है यात्री? कम है, बस 20 यात्री लेके आए हैं गोरखपुर से। एक बस में कितने लोगों को ले जाना है? वही 30-35। सामान्य यात्रियों के लिए बसों के संचालन के एक बार फिर शुरू हो जाने से आम जनता ने राहत की सांस ली है। पिछले 2 महीने से फंसे लोग अब अपने अपने गंतव्य और जरूरी कार्यों के लिए निकल पड़े हैं। कहाँ जा रहे हैं? हमें जाना था लखनऊ जाना था, तब से लॉकडाउन जब से फैला तब से 2-2.5 महीने से पड़े हुए थे, कुछ काम था कागज का, और अब ये आकर के खुला है लॉकडाउन तो पहले ही दिन हम जा रहे हैं झंडा से। बस आम जनता के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि राहत अब मिल जाएगी, इतने दिनों से बंद थी। जी जी, वो बहुत जो लोग जहाँ फंसे हैं सबको आने जाने में सुविधा हो जाएगी। सरकार से आनी हो? बस सरकार बहुत सही सिस्टम से सही जगह से काम कर रही है। आम पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छी राहत है, सही समय पे छोड़ा गया है, काफ़ी 2.5 महीने हो गया रुके रुके लॉकडाउन को। जी, 2 महीने से काफ़ी दिन से हम लोग वेट कर रहे थे बस कब चलेगी, नॉर्मल परिवार यहाँ फंसा है, लखनऊ मकान है तो जाना पड़ा, आज वही बस ढूंढने के लिए आए कि चल रही कि नहीं चल रही, तो बस चल रही है, काफ़ी राहत की बात है। मंडलेव कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर गन्ना सर्वेक्षण के कार्यों की हुई जांच में तत्कालीन गन्ना पर्यवेक्षक द्वारा गन्ना माफियाओं से साठ गांठ करके उन्हें अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सर्वेक्षण में हेरा फेरी किए जाने का मामला उजागर हुआ है। मंडली जांच समिति द्वारा की गई जांच में जहां कई कृषकों के सर्वेक्षण में अंकित प्लाट मौके पर मिले ही नहीं, वहीं जो प्लाट मिले उनका गन्ना क्षेत्रफल काफी बढ़ाकर अंकित किया जाना पाया गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि तत्कालीन गन्ना पर्यवेक्षक सर्किल इंचार्ज द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया तथा गन्ना माफियाओं से साठ गांठ कर भारी आर्थिक लाभ पहुँचाया गया। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने मंडल स्तर पर गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या एवं प्रस्तुति के आधार पर तत्कालीन गन्ना पर्यवेक्षक सुभाष यादव के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हेतु प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश सरकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड को संस्तुति प्रेषित कर दी है। प्राप्त विवरण के अनुसार मंडलायुक्त के समक्ष जनपद के सदर तहसील अंतर्गत ग्राम भगवानपुर निवासी सीताराम यादव ने इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि गन्ना पर्यवेक्षक सुभाष यादव द्वारा कतिपय गन्ना माफियाओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गन्ना सर्वेक्षण कार्य में भारी अनियमितता की गई है, जिससे वास्तविक गन्ना किसानों को क्षति उठानी पड़ रही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने सोमवार को L3 अस्पताल के समकक्ष मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर और जिला कारागार का निरीक्षण किया। मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण के दौरान आजमगढ़ के 55 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती थे, जिनमें से एक मरीज ICU में था, शेष मरीज की हालत ठीक थी। इसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मंडल कारागार पहुंचकर जेल अधीक्षक से जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में DMSP ने शहर के हर्रा की चुंगी वार्ड गुलामी का पूरा के
पोस्ट ऑफिस की गली में बनाए गए कंटेनमेंट जोन का भी निरीक्षण किया और बैरिकेटिंग बढ़ाने के साथ ही सैनिटाइजेशन का निर्देश दिया। जनपद में भ्रमण के दौरान एसएसपी साहब के साथ हम लोग भ्रमण पे निकले थे, जिसमें हम मेडिकल कॉलेज में गए जहाँ पे कि 55 कोरोना पॉजिटिव के मरीज भर्ती थे, एक उसमें से आईसीयू में, बाकी आइसोलेशन में है। वहाँ पे जो भर्ती हमारे पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हैं उनसे बात की गई, तो सभी ने सेवा संतुष्टि व्यक्त करी की और ये भी बताया कि डॉक्टर्स टाइम पे आ रहे हैं, खाना भी टाइम पे मिल रहा है और सूचना भी हमें प्राप्त हो रही है, तो संतुष्ट व्यक्त की। वहाँ पे एक निर्देश दिए गए कि साफ़ सफाई जो परिसर की है वो थोड़ी और इम्प्रूव कर दी जाए और वहाँ पे जो भी मरीज आते हैं उनका ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही एक जिला जेल में भी एसएसपी साहब और हम लोग गए थे, वहाँ पे उसका निरीक्षण किया गया, वहाँ भी कोविड के संबंध में उनको निर्देश दिए गए। साथ में जेल में मास्क बनाने के लिए उनको निर्देशित किया गया कि पहले जो जिस तरह से मास्क बनाए गए थे इसको और भी बनाया जाए, और साथ में भविष्य में अगर पेशी के लिए जाते हैं उसके लिए एक एसओपी बना लिया जाए कि उनको कैसे उनका ध्यान रखा जाए, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की जाएगी और कैसे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी, उसके एसओपी बना के उसको एक बार लागू किया जाए। कल एक कंटेनमेंट जोन सदर में बना है जो कि पोस्ट ऑफिस गली हरा चुंगी वार्ड गुलामी का पूरा नगर पालिका क्षेत्र आजमगढ़ में बना था, उसको अभी निरीक्षण किया गया और वहाँ पर जो सैनिटाइजेशन भी कराया गया वहाँ के नगर पालिका की टीम से वो शुरू कराया गया और साथ में बैरिकेडिंग और बढ़ाने के वहाँ पे निर्देश भी दिए गए। लाइफलाइन हॉस्पिटल से मिली शौचालय की सुविधा के उपरांत पुलिस अधीक्षक कार्यालय को लोटस हॉस्पिटल ने वाटर कूलर की सौगात भेंट की है। कॉर्पोरेट दायित्व का निर्वहन करते हुए हॉस्पिटल के इस प्रयास व सहयोग से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने वाले फरियादियों को शुद्ध व स्वच्छ पेयजल के लिए अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। गर्मी के मौसम में मिली इस मनचाही सौगात से सभी में खुशी की लहर दिखी। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने वाटर कूलर का लोकार्पण करते हुए लोटस हॉस्पिटल की प्रशंसा की। उन्होंने उम्मीद जताई कि हॉस्पिटल परिवार जनता के हित में ऐसे नेक कार्यों को आगे भी जारी रखेगा। देखिए, हमारे पुलिस ऑफिस में जो बाहर से लोग आते थे, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ कूलर की व्यवस्था थी लेकिन एक कम था, तो ये चर्चा के दौरान डॉक्टर पंकज राय हैं, इनसे बात हुई, ये लोटस हॉस्पिटल के वो हैं, ओनर हैं, तो इन्होंने कहा कि हम लोग चैरिटी का काम करते रहते हैं और हम लगवा दे रहे हैं, तो इन्होंने दो तीन दिन पहले हम लोगों ने कहा, इन्होंने बहुत अच्छा, अच्छी कैपेसिटी का, अच्छी कंपनी का इन्होंने एक वाटर कूलर लगवाया है, इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं, ये बहुत बधाई का पात्र हैं और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के नेक काम जो जनता के हित में हो लगातार करते रहेंगे, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छी पहल इन्होंने शुरू की है, अब जो यहाँ लोग बाहर से आ रहे हैं उनके पीने की अच्छी व्यवस्था हो गई है। धन्यवाद।